दोस्तों, कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कम ही चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं कुंती के बारे में पांच रहस्य, जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रिथा अर्थात कुंती अपनी असली माता पिता से दूर रही, जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री सांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया। श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे आपस में जीजा साले भी बन गए। हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ विवाह। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुन रथ एक किन्नम ऋषि को मार देते हैं। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे। जब तुम मैथुन रथ रहोगे, इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पति और सौत की मृत्यु से अकेली रह गई कुंती। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मन सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि सापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है। अब कुंती के समक्ष पांच पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है। कुंती की मृत्यु। करीब 3 साल तक गंगा किनारे घने वन में बनी छोटी सी कुटिया में कुंती, गांधारी और संजय धृतराष्ट्र रहते हैं। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठर को उनके परिवारजनों की मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। तब युधिष्ठर वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम कर पिंडदान आदि कर्म करते हैं। दोस्तों, आपको कुंती की मृत्यु के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।